हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा टाइपिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केवीएस, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीस हजारी और यूपीपीसीएल, इन चारों के रिटन एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। इनका जो नेक्स्ट स्टेज है वो टाइपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने आज केवल इसका ब्रीफ रिव्यू रखा है। इसके बाद जितने भी वीडियो होंगे, ठीक है, वो आपको टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर, टाइपिंग कैसे की जाए, किस टाइम पर टाइपिंग करना बेटर है और अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सभी से रिलेटेड रहेगा। आज हम जस्ट देखेंगे इसका ब्रीफ रिव्यू कि किस में कितनी टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है और हमें किस फॉन्ट पे टाइपिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। जस्ट आपको t.me/successmirror या फिर successmirror टेलीग्राम पर सर्च करना है और चैनल्स को ज्वाइन करना है। आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में दें कि आपको ग्रुप, अगर टेलीग्राम पर सक्सेस मिरर का ग्रुप चाहिए तो आप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी दें जिससे कि हम उस पर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले बात करते हैं केवीएस के बारे में, फ्रेंड केवीएस का रिटर्न हो चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं एलडीसी पोस्ट के आंसर कीज भी आ गई हैं, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने केवीएस का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, तो वो अपने आंसर कीज के साथ हमें बताएं कि आपके रिटर्न में कितने मार्क्स रहे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आए तो उसके लिए भी मेंशन करें। चलिए देखते हैं स्किल टेस्ट में और उसमें क्या क्या चाहिए होता है। स्किल टेस्ट में बात करें तो इस पोस्ट में आपके टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे या तो आपको नेट स्पीड की बात की जा रही है जिसमें आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर आपको 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी आइदर वाला केस है, ठीक है, कोई भी एक स्पीड को करना है आपको, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किस फॉन्ट पे करूँ हिंदी में, हालांकि मेंशन नहीं किया है, ऐसी कंडीशंस में मंगल कृति, ठीक है, किसी भी फॉन्ट पे आपको वहाँ पे कराई जा सकती है, लेकिन जहाँ तक है मंगल पे ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आपको 50 मार्क्स की ये टाइपिंग होती है। कंपलसरी होता है कि आपकी स्पीड आनी चाहिए इतनी, ठीक है, ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर होती है। सेकेंड टेस्ट की बात करें, कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसेस, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ठीक है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और आपको इसमें 40% मार्क्स लेके आने होते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट एंड सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको टाइपिंग टेस्ट इसका निकालना होगा। ये कम्प्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इस पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, करंट में इसका काफ़ी चल रहा है और हम आपको बता दें जल्द ही इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसमें स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों है, ठीक है। और अगर आप 25/30 यानी 25 हिंदी में और 30 इंग्लिश में निकालते हैं तो 25 मार्क्स आपके हिंदी में और 25 मार्क्स आपको इंग्लिश में, ये दोनों ही मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी मिनिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो कमेटी द्वारा डिसाइड किए होते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं और बाकी आपका स्टेज वन का जो मार्क्स हो गए होंगे उन सभी दोनों स्टेजेस को मिला के जो भी आपके मार्क्स बनते हैं उसी से आपका रिजल्ट बनता है, मेरिट बनती है। इसमें आपके जो स्टेज फर्स्ट हो ही चुका है, स्टेज सेकंड में आपके 250 वर्ड्स हिंदी में आएंगे अप्रॉक्सीमेट, पर 260-270 भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे उससे। और यहाँ पे आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में आपका 300 वर्ड्स का पैसेज आएगा, इंग्लिश कंप्यूटर्स की टाइपिंग टेस्ट ही नहीं होगी, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मंगल फॉन्ट यहाँ पे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियोस में ही बता चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के में कि मंगल फॉन्ट में आपको किस किस में करना है। अब बात करते हैं 30,000 की। 30,000 में टाइपिंग टेस्ट आपका जस्ट इंग्लिश में है, हिंदी की स्पीड चाहिए ही नहीं। यहाँ पे आपको 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड चाहिए होगी आपको कंप्यूटर टेस्ट निकालने के लिए। इसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं और उसे कहते हैं 100 मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सॉरी ये आपके जो होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और उसके रिटन टेस्ट के, और जो आपके जो टाइपिंग है उसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट की क्वालिफाइंग आपको निकालना होता है।
SC ST OBC और इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी इसका सेम ही रहता है, जस्ट आपका रिटर्न में चेंजेस होते हैं बस। अब बात करते हैं UPPCL ऑफिस असिस्टेंट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑफिस असिस्टेंट के अभी करेंटली एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं, केवल 3 डेट्स के एक सेंटर्स के एग्ज़ाम्स और हो रहे हैं, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 5 मिनट का कंप्यूटर पर टाइम दिया जाएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही टाइपिंग होनी है, हिंदी की भी होनी है और इंग्लिश की भी होनी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक की, दोनों की आपको करनी है। हिंदी में आपको कृति दे दिया जाएगा 010 और 016, यहाँ पे आपकी न्यूनतम 30 वर्ड्स पर मिनट की गति होना अनिवार्य है, ठीक है। और आपको टंकर हेतु अगर 20 अंक निर्धारित किए, लेकिन ये 20 अंक तभी मिलेंगे जब आप हिंदी तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इतनी स्पीड देंगे ही देंगे, साथ ही साथ इंग्लिश की जो टंकर मतलब इंग्लिश जो टाइपिंग है उसमें आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इतनी होनी ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये 20 अंक आपके जो होंगे वो आपके रिटर्न के साथ ऐड होके आपके रिक्रूटमेंट को मेरिट लिस्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो ये UPPCL का था, तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो चारों के इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इससे क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो से आपको ये बता पाएंगे कि आपको किस सॉफ्टवेयर पे और किस किस तरीके से किस किस वेबसाइट के थ्रू अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिव्यू है, जो आप लोग इसको देखिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन चारों उसमें तो हमें ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक की, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई इसमें कमेंट है कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम सिर्फ टाइपिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और उससे अदर से भी रिलेटेड कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल्स को अगर फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे चैनल्स के सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी प्रेस करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।